नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। गांधी जयंती से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की थी एक अपील, कहा एक तारीख, एक घंटा, एक साथ, एक अक्टूबर, और फिर क्या था? देखते ही देखते पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान पर स्वच्छता अभियान के लिए सफाई में जुट गया। ये तस्वीरें हैं मुंबई के मेहता एंड कंपनी परिसर गोल्डन जुबली टाटा हॉस्पिटल के पीछे सेंट जेवियर स्ट्रीट परेल की, जहां आरएसवी फाउंडेशन स्वच्छता अभियान ही नहीं चलाया बल्कि कैंसर पीड़ित मरीजों व उनके परिवार जनों को फल, भोजन, पानी, बिस्किट वितरण कर स्वच्छता अभियान को यादगार बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। इस अवसर पर आरएसवी फाउंडेशन के साथ भारद्वाज एजुकेशन ट्रस्ट, उत्तर भारतीय मुंबई कर संघ सहित कुछ और संस्थाओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी की। सुबह 10 बजते ही आरएसवी फाउंडेशन के अध्यक्ष राधेश्याम वर्मा अपने साथियों के साथ हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों पर स्वच्छता अभियान के लिए उतर गए, जहां फुटपाथ पर कैंसर पीड़ित मरीज रह रहे हैं वहां पर सफाई अभियान युद्ध स्तर पर चलाई गई। यही नहीं, उनके द्वारा वहां पर सैनिटाइजिंग भी इलाके को किया गया। इसके बाद उनकी संस्था द्वारा लोगों को फल, बिस्किट, पानी वितरित किया गया। इस अवसर पर राधेश्याम वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री दक्षिण मध्य मुंबई श्रीनिवास शुक्ला, उत्तर भारतीय मोर्चा के मुंबई उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे, उत्तर भारतीय मुंबई कर संघ के दिनेश कुर्मी, व्यास गुप्ता, कैलाश नाथ गुप्ता, विकास गुप्ता, रोहित मोरिया, व्यास गुप्ता, कनिक्राम सहित काफी लोग स्वच्छता अभियान में सम्मिलित हुए और अभियान चलाए। सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ये स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन के रूप में बदलने का कार्य किया, और उनकी आह्वान पे हम नहीं, आज भारत की जनता कोने कोने, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले अपना परिसर साफ करने का कार्य कर रही है। उसी के कड़ी में हम और हमारे टीम के सभी सदस्यगण, हमारे मित्र, सभी लोग मिलके आज ये टाटा कैंसर हॉस्पिटल के बगल में पूरी गली का हम लोग ने स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की है। उसके बाद उनके लिए फल, बिस्किट और भोजन का वितरण का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता अभियान के लिए हमसे जो हो सकता है हमने वो अपना समय और ये चीज देने का कार्य किया है। जैसे कि अपने प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया, 1 तारीख को, 1 अक्टूबर के दिन कम से कम 1 घंटा स्वच्छता के लिए सभी देशवासियों को देना है। उसके मद्देनज़र हम सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में स्वच्छता के निमित्त कम से कम 1 घंटे का समय दिया, अपने बस्तियों में साफ सफाई की, और यहाँ पर 2 गुना कार्यक्रम हमारा हुआ है सेवा का। आज हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर हर बस्ती में स्वच्छता का कार्यक्रम कर रहे हैं, और कल गांधी जयंती के दिन हम सभी क्षेत्रों में फिर से स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे देश के कुटीर उद्योग के लिए जो हमारा गांधी खादी ग्रामोद्योग है, हम सभी लोग से विनती करेंगे, आह्वान करेंगे अपने खादी ग्रामोद्योग को बढ़ाने के लिए, कुटीर उद्योग को बढ़ाने के लिए सभी खादी ग्रामोद्योग के दुकानों में जाकर
हम सभी जो लोग हैं वहाँ पे कुछ खरीदी करें। मोदी जी जैसे ही आए सबसे पहला काम उन्होंने स्वच्छता अभियान को लेकर ही किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने करोड़ों में शौचालय बनवाए ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक में। और ये सोचने वाली बात है कि आज जब गांधी जी की जयंती कल 2 तारीख को है, तो उसके एक दिन पहले पूरे देश को उन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए, स्वच्छता अभियान को करने के लिए 1 घंटे के लिए कम से कम सबसे आग्रह किया। जैसे हम भाई करते रहते हैं और आपको पता ही है कि यहाँ पर आप कैंसर मरीजों के लिए, लोगों को रहने के लिए आरएसवी फाउंडेशन के माध्यम से अपनी मेहता कंपनी इन्होंने दे दी कि यहाँ पर गरीबों को, बेसहारा लोगों को सहारा मिले। तो यहाँ पर आरएसवी फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को रहने का, लोगों के भोजन का और तरह तरह का इंतजाम तो रोज होता है, रोज भोजन भी दिया जाता है फ्री ऑफ चार्ज में बिना किसी पैसे के लिए। तरह से अगर सरकार उनका सहयोग करे तो ये इस मेहता कंपनी को थोड़ा और विस्तृत करके विशाल का रूप देकर अगर यहाँ पर एक बिल्डिंग बन सके तो ये जो रोड पर यहाँ से वहाँ तक लोग बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, उन सबके लिए फ्री में रहने के लिए एक सहारा यहाँ पर मिल जाए। मैं प्रार्थना करूँगा ईश्वर से और निवेदन भी करूँगा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और बाकी लोगों से कि हमारे भाई राधे श्याम जी का हाथ मजबूत करें और उन्हें जो करना चाह रहे हैं उसमें सहयोग करें ताकि ये कैंसर मरीजों के लिए एक बहुत बड़ा सेवा कार्य जारी हो सके। एबी न्यूज़ में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना।